कि कोरोना वायरस का कहर अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया के कई देशों में फैल चुका है और जिससे चीन में अब तक 361 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 17,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना के चलते कई देशों ने अपने नागरिकों को चीन न जाने की सलाह भी दी है। वहीं कुछ देशों ने चीन के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को लेकर इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। आपको बताते चले कि चीन का वुहान शहर कोरोना का केंद्र बना हुआ है। रविवार को हुबेई प्रांत में अन्य 56 लोगों की मौत हुई है, साथ ही 5,173 नए संदिग्ध केस का पता चला है। इनमें से 186 मरीजों की हालत चिंताजनक है। स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया के 18 से ज्यादा देशों में कोरोना ने पैर पसार लिए हैं। इन देशों में अमेरिका, जापान और वियतनाम भी शामिल हैं। वहीं चीन के लिए अभिशाप बन चुकी कोरोना की महामारी के बीच भारत सरकार वहां फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने की जुगत में पूरी तरह से जुटी हुई है।